अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी हाँ, जैसे आपको पता है कि छुट्टियां हैं, बच्चे सब बड़े मौजूद हैं घर पे, तो रोज़ाना कोई ना कोई फरमाइशें हो रही हैं। आज चिकन विंग्स की फरमाइश थी, तो मैं चिकन विंग्स बना रही हूँ। और आज हम विंग्स को बेक कर रहे हैं, फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है। हमने 1 किलो चिकन लिया है, विंग्स लिए हैं चिकन के, और इसके हमने ऐसे 2 पीसेस कर लिए, 1 विंग्स के 2 पीस कर लिए हैं। इसको अच्छे से धो लिया। अब हम मसाले बताती हूँ मैं। 1 लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 चाय का चम्मच ले रहे हैं हम, इन तीनों का पेस्ट। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जाएगा, सोया सॉस, चिल्ली सॉस और वॉर्सटेशायर सॉस हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। तो जी हाँ, मैरिनेट करेंगे इसको हम, 1/2 घंटा तकरीबन मैं इसको मैरिनेट करूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसको बेक करूँगी, फिर हम इसका सॉस बनाएंगे। तो चलिए हम तब से मैरिनेशन के लिए इसके अंदर चीज़ें ऐड करते हैं। ये लाल मिर्ची जो हमने 1 चाय का चम्मच ली है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच। और ये हमारे पास नमक हसबे ज़ायका अपने टेस्ट के मुताबिक, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है 1 चाय का चम्मच, तीनों का पेस्ट 1 चाय का चम्मच लेंगे हम। और इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं वॉर्सटेशायर सॉस, ये 2 चाय के चम्मच हम इसमें लेंगे। और ये चिल्ली सॉस डालूंगी, ये भी 2 चाय के चम्मच हम इसमें लेंगे। इन सॉसेस के साथ लगा के हम रखेंगे इसको तो मैरिनेट करने, तो बहुत अच्छे से हमारे विंग्स बनेंगे। और हम आज बेक कर रहे हैं तो इसमें ऑयल भी कम यूज़ होगा और बहुत ही हेल्दी भी होंगे, मतलब ऑयली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा नुकसान, ये भी मैं 2 चाय के चम्मच ले रही हूँ सोया सॉस, ऑयली चीज़ें जो हैं वो नुकसान करती हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ऑयल कम से कम इस्तेमाल कर। और ये ऑलिव ऑयल मैं 2 खाने के चम्मच ले रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले और सॉसेस आपस में अच्छे से विंग्स में हमारे मिक्स हो जाएं, और फिर हम इसको 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने रखेंगे। हाथ धो लिए मैंने, ठीक है। इसको अच्छे से हम मसाले को मिक्स करेंगे तमाम, ताकि अच्छे से मैरिनेशन हो हमारी, और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बच्चों को बहुत पसंद आते ही हैं, क्योंकि हम इसमें स्वीट फ्लेवर भी दे रहे हैं, मिठास भी होगी इसमें, और थोड़ा सा मिर्चें भी, मतलब स्पाइसी भी होगा, तो जो है ज़रूर अच्छा लगेगा। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये फ्लेवर। तो देखिए, रख रही हूँ मैरिनेट करने 1/2 घंटे के लिए। चले देखिए, 1/2 घंटा हो गया है, चिकन हमारी विंग्स जो हैं वो अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैंने देखिए बेकिंग ट्रे लिए और अल्मीनियम फॉइल लगा के इसको हल्का सा मैंने जो है ग्रीस किया, बहुत ज़्यादा ग्रीस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे विंग्स में ऑलरेडी हमने ऑयल डाला है। और हम इसको जो है मैंने 200 डिग्री पे ओवन को पहले से प्रीहीट किया हुआ है। अब मैं इन विंग्स को एक एक करके जो है थोड़ा गैप देके इस ट्रे में अच्छे से फैलाएंगे विंग्स को। मैंने ओवन जो है पहले से प्रीहीट करने रख दिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तकरीबन 20 मिनट से 25 मिनट हम इसको बेक करेंगे। 20 मिनट बाद चेक कर लेंगे कि मतलब तैयार हो गए नहीं हो गए, तो 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको इसको अच्छे से बेक करने में। तो देखिए, मैंने इस तरह फैला दिए और ओवन पहले से प्रीहीट है हमारा 200 डिग्री पे, तो अब हम इसको ओवन में अंदर रखेंगे। ठीक है, चलो मैं ओवन में रख रही हूँ उसको 200 डिग्री पे। आपके पास ओवन नहीं है तो आप स्टीम भी कर सकते हैं, स्टीम भी बना सकते हैं। चलें, ये देखिए 20 मिनट एटलीस्ट लगे मुझे ये तैयार करने में, और इतने अच्छे से कलर आ गया इसके ऊपर। अब हम जल्दी से इसका सॉस बनाएंगे, जिसमें हम सॉस में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक पैन लिया है मैंने, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच जो है बटर यूज़ कर रहे हैं हम, अनसॉल्टेड बटर है ये। और सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ मैं 2 खाने के चमचे। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बटर को और सोया सॉस को। बहुत ही मज़ेदार से विंग्स तैयार हो रहे हैं। और 2 खाने के चमचे मैं इसमें केचप यूज़ कर रही हूँ। केचप जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मतलब फ्लेवर इसका बच्चे बहुत शौक से खाते हैं केचप। और 1 खाने का चम्मच हम इसमें ऐड कर रहे हैं हनी, शहद। ठीक है,
तो शहद से इसमें ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा हम वाइट सफ़ेद तिल यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें कितना झटपट हमारा सॉस रेडी हो गया है। और जो हमने विंग्स बेक किए हैं वो उन विंग्स को हम इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम विंग्स को हम इस सॉस में डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका और बग़ैर ऑयल के कितने अच्छे बेक हुए हैं विंग्स। ऑयली चीज़ें जो है ना अवॉइड करनी चाहिए, जल्द वो सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती हैं। कभी कभार चलती हैं लेकिन कोशिश करें कि इस तरीके से बच्चों को बना कर दें चीज़ें। हेल्दी चीज़ें जो है ना बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। और इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा, हनी भी है इसके अंदर और मिर्चों के स्पाइसेस भी है, तो बहुत ही टेस्टी जो है विंग्स हमारे बनेंगे। ये देखें मसाला अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला जो है विंग्स पर अच्छे से जो है ना वो मिक्स हो जाए। ये देखें कितनी झटपट हमारे विंग्स रेडी हो गए और शक्ल से भी कितने यमी लग रहे हैं। देखें अच्छे से मैं मसाला से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो हमारा, ये देखें मैंने इसको डिश आउट किया और आप शक्ल से देखें कितने मज़े के जूसी और कितने अच्छे विंग्स लग रहे हैं। ये जो है स्वीट एंड स्पाइसी विंग्स तैयार हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बना के दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।